हाँ जी दोस्तों नमस्कार, फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से भवन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब बिल्डिंग का वर्गीकरण, कितने टाइप में बिल्डिंग को बांटा गया है, कौन कौन सी प्रकार में बिल्डिंग आते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी क्लास में आता है, एजुकेशनल बिल्डिंग कौन सी क्लास वाला, सभी सवालों का आपका जवाब आज हम देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये हम आपको नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से बता रहे हैं। दोस्तों तो हम बात करेंगे सभी बिल्डिंग जो मौजूद हैं या भविष्य में निर्माण किया जाएगा, वह बिल्डिंग उपयोग के अनुसार निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। मतलब जो बिल्डिंग है, जो वर्तमान में बनाया जा रहा है या भविष्य में बनाए जाएंगे, उनको कई भागों में, निम्नलिखित भागों में बांटा गया है कि कौन सी है और उसके कौन कौन सी कैटेगरिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बिल्डिंग को 9 भागों में बांटा गया है। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बिल्डिंग को, भवन को 9 भागों में बांटा गया है। पहला आता है ग्रुप ए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय बिल्डिंग। ग्रुप बी, एजुकेशनल बिल्डिंग, शैक्षिक बिल्डिंग, शैक्षिक एजुकेशनल ग्रुप बी में आता है। ग्रुप सी में आता है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, संस्थागत भवन। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कौन सी में आता है, ग्रुप सी में आता है। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रुप डी, असेंबली बिल्डिंग, विधानसभा, असेंबल होने के लिए असेंबली बिल्डिंग, जहां लोग इकट्ठे होते हैं, उस वो कौन सी क्लास में आता है, ग्रुप डी। उसके बाद दोस्तों आता है ग्रुप ई, बिजनेस बिल्डिंग, व्यवसाय, जहां पे बैठकर किसी कार्य को बिजनेस करने के लिए जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, बिजनेस पर्पज से जो बिल्डिंग बनाया जाता है, जहाँ पे ऑफिस वगैरह होते हैं, वो कौन सी क्लास में आते हैं, ग्रुप ई, बिजनेस बिल्डिंग। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रुप एफ, मार्केटाइल बिल्डिंग। मार्केटाइल मतलब दुकान, मॉल, शॉपिंग मॉल, ये सब है मार्केटाइल बिल्डिंग। कौन सी क्लास में आता है, ग्रुप एफ। उसके बाद आता है ग्रुप जी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक भवन, इंडस्ट्रियल, जहाँ पे आप समझ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक भवन, कौन सी में आता है, ग्रुप जी। उसके बाद दोस्तों आता है ग्रुप एच, स्टोरेज बिल्डिंग, भंडारण करने वाला भवन, स्टोरेज बिल्डिंग, कौन सी क्लास में आता है, ग्रुप एच। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रुप जे, हजार्डस बिल्डिंग, हजार्डस, खतरनाक भवन, कौन सी क्लास में आता है, हजार्डस, ग्रुप जे। ए, ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग, ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल संस्थागत भवन, ग्रुप डी असेंबली बिल्डिंग, ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग, ग्रुप एफ मार्केटाइल बिल्डिंग, ग्रुप जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ग्रुप एच स्टोरेज बिल्डिंग, ग्रुप जे हजार्डस बिल्डिंग। दोस्तों 9 प्रकार के जो बिल्डिंग था आपने जान लिया। अब हम आपको बताएंगे आगे जो बिल्डिंग है, ये है ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और इसमें कौन कौन सी सब डिवीजन होते हैं। तो जो मैंने आपको 9 प्रकार का बिल्डिंग बताया था, इन सभी बिल्डिंगों में सब डिवीजन भी होते हैं कि जी ग्रुप ए में कौन सी बिल्डिंग आता है, फिर उसके सब डिवीजन कौन से हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी डिटेल से दूंगा दोस्तों। तो ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो मैंने पहला बताया था, 9 प्रकार की बिल्डिंग है, उसमें ग्रुप ए के बारे में बता रहा हूँ, ग्रुप ए रेजिडेंशियल। कई लोग कहते हैं क्लास, क्लास नहीं दोस्तों, ग्रुप, ध्यान रखना है, ग्रुप ए, ए ग्रुप बिल्डिंग, बी ग्रुप, मतलब बिल्डिंगों का एक ग्रुप है, फिर उसमें सब डिवीजन है, उसके बाद उस ग्रुप के अंदर कितने डिवीजन हैं। तो क्लास कहना एक अलग चीज़ है, ग्रुप कहना अलग चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप है बिल्डिंग, क्या है, कितने ग्रुप में बांटे गए हैं, 9 ग्रुप में बांटे गए हैं। तो कौन सी ग्रुप में कितने डिवीजन है,
वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ ए वन मतलब ग्रुप ए की बात हो रही है, वन मतलब उस ए के अंदर वन जो है वो कौन सी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। तो मैं आपको विस्तार से आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सब डिवीजन ए वन है। ए वन मतलब ग्रुप ए, वन मतलब सब ग्रुप ए जो है उसका सब डिवीजन वन है। ठीक है दोस्तों, तो सब डिवीजन ए वन लॉजिंग और रूमिंग हाउस। तो सब डिवीजन ए वन में कौन सी आती है, ग्रुप सब डिवीजन ए वन में लॉजिंग एंड रूमिंग हाउस। सब डिवीजन ए टू, इसमें एक या दो परिवार का निजी आवास। तो जो रेजिडेंशियल की बात होती है उसमें ज़्यादातर लोग सोचते हैं जिसमें लोग रहते हैं, सोते हैं, फैमिली परिवार जो रहते हैं। नहीं दोस्तों, उसमें कई प्रकार के लॉजिंग हाउस भी आता है ग्रुप ए वन में। ठीक है दोस्तों, मतलब ग्रुप ए जिसको बहुत लोग को बोलते हैं क्लास ए बिल्डिंग, एक्चुअल में ग्रुप ए बिल्डिंग होता है वो, उसमें सब डिवीजन वन तो उसको बोलते हैं ए वन, उसमें आता है लॉजिंग और रूमिंग हाउस। ए टू में आता है एक या दो फैमिली का परिवार जिसमें रहता हो। ठीक है, जिसका मैक्सिमम संख्या 20 हो, ये नहीं कि 50-100 हो जाए, नहीं नहीं, उसका भी एक कैटेगरी है, वो अलग कैटेगरी में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है सब डिवीजन ए थ्री, इसके अंदर आता है छात्रावास, हॉस्टल, पीजी। ध्यान देना एक चीज़, इसमें कॉमन बात है कि जिसमें सोने की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी में सोने की व्यवस्था होती है। सब डिवीजन ग्रुप ए का सब डिवीजन ए फोर, इसमें आता है अपार्टमेंट हाउस। अपार्टमेंट हाउस जो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, फैमिली घर तो रहता है लेकिन वो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर होता है, वो कोई हाउस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आता है दोस्तों सब डिवीजन ए फाइव, इसमें आता है होटल। होटल काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होटल होती है, उसमें सोते हैं लोग, सोने की व्यवस्था होती है, खाने पीने का और भी बहुत सारी व्यवस्था आती है, उसका नियम कानून अलग है, इसलिए आता है सब डिवीजन ए फाइव होटल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सब डिवीजन ए सिक्स, मतलब स्टार होटल, जैसे वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार, फोर स्टार, फाइव स्टार, सिक्स स्टार, सेवन स्टार। भैया ये स्टार मतलब बहुत लग्जरी होटल है, स्टारेज में आ जाता है, वो आता है दोस्तों ए सिक्स में। तो ये सभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंगों का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जिसमें अलग अलग सब डिवीजन है, जैसे सब डिवीजन ए वन लॉजिंग और रूमिंग हाउस, सब डिवीजन ए टू एक या दो परिवार का निजी आवास, सब डिवीजन ए थ्री छात्रावास या हॉस्टल पीजी, ये जो हो गए ए थ्री में आता है, सब डिवीजन ए फोर हाउस, अपार्टमेंट हाउस जो होते हैं बिल्डिंग का जो अपार्टमेंट होते हैं, सब डिवीजन ए फाइव होटल्स हो गए, सब डिवीजन ए सिक्स स्टारेज होटल, लग्जरी होटल। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको आगे चलते हैं दोस्तों ग्रुप बी के बारे में बताएंगे दोस्तों। अब ग्रुप बी में आता है एजुकेशनल बिल्डिंग, कौन सा बिल्डिंग, ग्रुप बी में मतलब बिल्डिंगों का ग्रुप जो है ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग। अब उसमें कौन कौन सी आते हैं दोस्तों एजुकेशनल बिल्डिंग, इसमें स्कूल के लिए इस्तेमाल होने वाला इमारत शामिल है, जैसे कॉलेज, दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडक्शन एजुकेशन जिसमें कम से कम 20 छात्र हों, कम से कम 20 छात्र, उससे ज़्यादा जो है वो ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग में आता है दोस्तों। अब इसमें सब डिवीजन बने हुए, सब डिवीजन बी वन आएगा, ए वन नहीं आएगा, क्योंकि हम ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो सब डिवीजन बी वन। ठीक है दोस्तों, सब डिवीजन बी वन में आता है सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के स्कूल आता है सब डिवीजन बी वन में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सब डिवीजन बी टू, ऑल अदर अन्य सभी प्रशिक्षण संस्था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसके अलावा जो है सीनियर सेकेंडरी के अलावा जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी हैं,
क्या बताऊँ, जो फायर की ट्रेनिंग है, ITI की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी है, ये सब डिवीजन B2 में आता है दोस्तों। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे मतलब ग्रुप बी जो आते थे उसमें सब डिवीजन ए होता था और सब डिवीजन मतलब जो ग्रुप होते थे ग्रुप में दो ही बिल्डिंग होती थी, सब डिवीजन B1 और सब डिवीजन B2 एजुकेशनल बिल्डिंग आते थे दोस्तों। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी की। कौन सी बात करते हैं? ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग मतलब इंस्टीट्यूशनल संस्थागत, इसमें कोई भी भवन शामिल हो सकता है। मेडिकल अदर ट्रीटमेंट मानसिक रूप से मेंटल पीड़ित व्यक्ति के लिए, किसी बीमारी के लिए, इलाज के लिए, किसी कैदियों के रहने के लिए, जेल तथा सभी संस्थागत भवन होते हैं जिसका काम जीवन में सुधार लाना, जिसके सोने रहने की व्यवस्था होती है। ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का मतलब यह है दोस्तों, किसी के सेहत में सुधार लाना या फिर जो भी मानव है, जो भी मनुष्य है, उनके अंदर कोई सुधार लाने के लिए, उनसे स्वास्थ्य से रिलेटेड सुधार लाने के लिए जो भी है वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर आता है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि सब डिवीजन में भी मतलब ग्रुप सी के अंदर सब डिवीजन कौन कौन सी आती है, उसमें कौन कौन सी भवन आते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। सब डिवीजन C1 में आते हैं हॉस्पिटल एवं सेनेटोरिया। सब डिवीजन C1 CA, अब ग्रुप सी की हम बात करें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, उसमें सब डिवीजन CA आएगा, उसमें कौन सी आता है? हॉस्पिटल और सैनिटरी एरिया, ठीक है दोस्तों। सब डिवीजन C2, अब बात करते हैं सब डिवीजन ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ, सब डिवीजन C2 ये भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आता है। ये कौन सा है? मतलब हिरासत संस्था, जो हिरासत में किसी को लिया जाता है, जेल हो गया कोई, वैसा जहाँ जैसे कोई पागलखाना हो गया, जो मानसिक रूप से उनको भी हिरासत में एक तरह से लिया जाता है, कहीं वो भाग ना जाए, कैदियों की तरह ही उनको मतलब व्यवहार कैदियों की तरह नहीं किया जाता है, लेकिन वो एक तरह प्रकार से हिरासत में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो भी हिरासत वाला जेल आते हैं या फिर कैदी होते हैं, जो मतलब जिनका डर रहता है कि वो भाग जाएंगे, वो दोस्तों आता है सब डिवीजन C2 में। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ये भी है, ठीक है, ग्रुप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और सब डिवीजन C2 हिरासत वाला जो बिल्डिंग होता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है सब डिवीजन C3 मानसिक संस्था, जो मतलब मानसिक रूप से सुधारने का काम होता है, डॉक्टर उनको सुधारते हैं मानसिक, लेकिन वो भी एक तरह से हिरासत में रहते हैं देखा जाए तो, क्योंकि वो भाग जाएंगे, मतलब उनको मौका मिला जाए तो उनके ऊपर सिक्योरिटी की निगरानी भी रहती है, उस हिसाब से उस भवन का निर्माण होता है। नॉर्मल हॉस्पिटल की तरह नहीं होता कि कोई भी आए कोई भी जाए, वो एक तरह से ऐसा सिक्योरिटी टाइट रहता है कि कोई भी मतलब जो मानसिक रूप से कमज़ोर है वो बिल्डिंग से भाग ना जाए। तो सब डिवीजन C3 में आता है दोस्तों, ये भी ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ, C3 मतलब उसमें सब डिवीजन तीसरा है। तो दोस्तों ये हो गया ग्रुप। अब आगे चलते हैं दोस्तों ग्रुप D असेंबली बिल्डिंग। असेंबली का मतलब समझ ही रहे होंगे। तो ग्रुप डी में सभी भवन आते हैं जिसमें कम से कम 50 व्यक्ति एक साथ, अब 50 व्यक्ति इसलिए कहा जा रहा है कम से कम क्योंकि फैमिली में भी तो लोग इकट्ठा होते हैं 2-4-20 लोग तक, ठीक है। तो इसमें मतलब 50 दिया गया है कि वह जहाँ पे मीटिंग वीटिंग होता है, जो भी बिल्डिंग है जहाँ पे इकट्ठा होने के लिए ही बनाया गया है कि वहाँ पे 50 से ज़्यादा जो भी मीटिंग वीटिंग चाहे जो भी है वहाँ सीटिंग व्यवस्था होती है, पिक्चर हॉल वगैरह जो भी है, वो आता है सब डिवीजन ग्रुप डी में असेंबली बिल्डिंग में आता है। तो इसमें भी अलग अलग सब डिवीजन है। तो ग्रुप डी में सभी भवन आते हैं जिसमें कम से कम 50 व्यक्ति एक साथ एकत्रित होते हैं, जैसे मनोरंजन के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, धार्मिक या किसी समारोह के लिए, मीटिंग के लिए, पिक्चर थिएटर के लिए, विधानसभा हो, क्लब हो, प्रदर्शनी हॉल हो, संग्रहालय एवं सभी भवन शामिल हैं। कौन सी ग्रुप में? ग्रुप डी असेंबली बिल्डिंग में, समझ रहे हो दोस्तों। अब इसमें अलग अलग सब डिवीजन हैं,
तो D1 सब डिवीजन D1 में क्या है दोस्तों, 1000 से अधिक व्यक्तियों के लिए एक नाटकी या चलचित्र या किसी अन्य चरण के निश्चित सीटों वाली इमारतें, जो निश्चित सीटों वाली इमारत है जिसमें 1000 से अधिक व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, वो सब डिवीजन 1 में आते हैं। सब डिवीजन D2 में आते हैं एक नाटकीय या चलचित्र या किसी अन्य चरण वाली इमारतें और 1000 व्यक्तियों तक, वो 1000 से अधिक दिया है लेकिन सब डिवीजन 2 में, मतलब 1000 तक, अगर उससे ज़्यादा है तो सब डिवीजन 1 में आ जाएगा दोस्तों। तो सब डिवीजन D2 है, यह एक नाटकीय या चलचित्र या किसी अन्य चरण वाली इमारतें और 1000 व्यक्तियों तक की निश्चित सीटें सब डिवीजन D2 में आते हैं दोस्तों। सब डिवीजन D3 में 300 व्यक्तियों से ज़्यादा बैठने की व्यवस्था है लेकिन परमानेंट सीटिंग या अरेंजमेंट नहीं है, ये है सब डिवीजन D3। मतलब असेंबली बिल्डिंग है भाई साहब, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होता है, ये वो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं हम जो ग्रुप डी के अंदर आता है। सब डिवीजन D4 जहाँ 300 व्यक्तियों से कम बैठने की व्यवस्था लेकिन परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये आता है सब डिवीजन D4 असेंबली बिल्डिंग। ये सारे हैं लेकिन अलग अलग सब डिवीजन में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक ग्रुप डी असेंबली बिल्डिंग था। अब इसमें आता है सब डिवीजन D5, सभी व सभी स्ट्रक्चर और टेम्परेरी डिजाइन किए गए स्थाई स्ट्रक्चर जो व्यक्तियों के असेंबल होने के लिए सब डिवीजन D1 to D4 सभी, मतलब ये शामिल हैं, सब डिवीजन शामिल हैं। सब डिवीजन D6, ठीक है दोस्तों, सब डिवीजन D6 में आते हैं वह सभी मिक्स भवन जिसमें व्यक्तियों के एकत्रित होने की व्यवस्था हो और मर्केंटाइल भवन भी हो, उदाहरण के लिए शॉपिंग मॉल जिसमें शॉपिंग करने की फैसिलिटी होने, सिनेमा थिएटर हो, मल्टीप्लेस और रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, यह सभी सब डिवीजन ग्रुप डी में जो असेंबली बिल्डिंग है उसी में आते हैं, अभी सब डिवीजन D6 में आते हैं दोस्तों। सब डिवीजन D7 आ गया, इतने इसमें तो बहुत सारे सब डिवीजन हैं आपका ग्रुप डी के अंदर। तो D7 सब डिवीजन D7 में आता है भूमिगत और ऊंचाई मांस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इस पर सब डिवीजन में कोई भी भवन स्ट्रक्चर शामिल होगी जैसे भूमिगत या एलिवेटेड रेलवे। मतलब दोस्तों जो भूमिगत या ऊंचाई पर जो भी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसमें रैपिड मेट्रो ट्रेन ये सब चलती हैं, चाहे अंडरग्राउंड चलता है चाहे ऊपर चलता हो, ठीक है दोस्तों, ये सभी आते हैं सब, क्योंकि वहाँ स्टेशन वगैरह पे भीड़ इकट्ठा होती है तो ये भी असेंबली बिल्डिंग में ही आते हैं सब डिवीजन D7। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रहे आपको। अब आते हैं ग्रुप ई, पांचवा है ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग। कौन सा है? पांचवा है ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग क्या है दोस्तों? बिजनेस मतलब व्यवसाय, इसमें कोई भी भवन या उसका हिस्सा शामिल हो सकता है जिसका उपयोग बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड रखना, व्यवसायिक इस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस के लिए सेवा सुविधाओं के लिए और व्यापार के लेन देन के लिए उपयोग में आता है, जैसे कोर्ट हाउस, लाइब्रेरी, बैंक, ऑफिस, ये सभी बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग। जो दोस्तों ऑफिस होता है जिसमें ट्रांजैक्शन का काम होता है, रिकॉर्ड रखने का काम होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये जितने भी बिल्डिंग है ये आता है बिजनेस बिल्डिंग। अब इसमें भी दोस्तों सब डिवीजन है। अब हम बिजनेस बिल्डिंग में सब डिवीजन E1 की बात कर रहे हैं। सब डिवीजन E1 में कार्यालय, ऑफिस जो हो गया, बैंक हो गया, पेशेवर प्रतिष्ठान हो गए जैसे आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील, डाकघर और पुलिस स्टेशन, ये जो कार्यालय हो गया जहाँ डॉक्टर पेशेंट देखते हैं, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग होता है, हॉस्पिटल के डिज़ाइन अलग होता है, जहाँ डॉक्टर बैठ के क्लिनिक टाइप खोल रखे, ऑफिस टाइप के बता रहे हैं,
ठीक है दोस्तों, कार्यालय, ऑफिस, बैंक, पेशेवर प्रतिष्ठान जैसे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील, डाकघर और पुलिस स्टेशन के कार्यालय भी बिजनेस बिल्डिंग में सब डिवीजन E1 में आते हैं दोस्तों। सब डिवीजन E2 में आते हैं प्रयोगशाला, बिजनेस बिल्डिंग में सब डिवीजन E2 प्रयोगशाला, वहाँ रोगी क्लिनिक, अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुस्तकालय और परीक्षण गृह, ये सब जहाँ पे टेस्टिंग का काम होता है, परीक्षण का काम होता है, रिसर्च का काम होता है, ये सब डिवीजन E2 में आते हैं दोस्तों। और सब डिवीजन E3 में कौन सी आती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। अब ध्यान देना दोस्तों, सब ये जो अपना बिजनेस बिल्डिंग है ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग, इसमें सब डिवीजन E3 में कौन सी आती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह इंस्टॉलेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़्यादातर IT वाले बिल्डिंग ऐसे ही होते हैं, पार्क और कॉल सेंटर। तो जो भी IT वाले बिल्डिंगे होते हैं सब डिवीजन बिजनेस बिल्डिंग में सब डिवीजन E3 में आते हैं दोस्तों। तो सब डिवीजन E4 में कौन से आते हैं? ये भी बिजनेस बिल्डिंग में है। सब डिवीजन ग्रुप ए के अंदर, ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग के अंदर सब डिवीजन E4 टेलीफोन एक्सचेंज भी आता है दोस्तों। सब डिवीजन E5 प्रसारण स्टेशन, TV स्टेशन, हवाई यातायात नियंत्रण टावर, कंट्रोल रूम, ये सब दोस्तों आता है सब डिवीजन E5। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं छठा जो आ गया ग्रुप F मार्केट टाइल बिल्डिंग आ गया ग्रुप F। अब ग्रुप F में कौन सी आता है? दुकान, माल, यही सब आते हैं दोस्तों। मार्केट टाइल का मतलब ही होता है, लेकिन इसमें आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें आता है कोई भी भवन या वह कोई भी हिस्सा शामिल होगा जिसका उपयोग दुकानों, बाजार के रूप में थोक या खुदरा माल के प्रदर्शन बिक्री के लिए किया जाता है। दोस्तों बिक्री एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रदर्शन भी किया जाता है, दिखाया जाता है। सेल 50% जूते पर आप, सेल जॉकी पे 30% आप, सेल 70% इस ब्रांड पे आप, या फिर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहेगा, आपको दिखाया जाएगा। समझ रहे हो? मॉल वगैरह में देखे ना, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है, या फिर कोई भी दुकान होता है बोर्ड लगा के, मतलब वो दिखाते हैं अपना सामान का प्रदर्शन करते हैं और बेचते हैं। ऑनलाइन नहीं है उनका, वो ऐसा है। ठीक है दोस्तों, वो आता है मार्केट टाइल बिल्डिंग ग्रुप F छठा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सब डिवीजन आता है। सब डिवीजन F1 में दुकानें, स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, बाजार, जो 500 वर्ग मीटर का कोई भी कवर्ड एरिया, जो 500 वर्ग मीटर में कवर्ड एरिया, जो शॉपिंग मॉल वगैरह दुकान पुकान जो भी हैं, जिसके ऊपर छत है 500 स्क्वायर मीटर में, वो सब डिवीजन F1 में आते हैं मार्केट टाइल में। उसके बाद दोस्तों सब डिवीजन F2 में दुकानें, स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, बाजार, जो 500 स्क्वायर मीटर से अधिक होगा, वो 500 स्क्वायर मीटर से तक था, ये 500 स्क्वायर मीटर से अधिक आए होगा, तो इसका मतलब सब डिवीजन आपका F2 में आएगा दोस्तों। तो सब डिवीजन F2 में कौन से आते हैं? दुकानें, स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, बाजार, जो 500 वर्ग मीटर से अधिक कोई भी कवर्ड एरिया, सब डिवीजन F2 में आता। सब डिवीजन F3 में अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर, माल बिक्री के लिए और एक भी भवन में स्थित स्टोर और सर्विस फैसिलिटी भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आता है सब डिवीजन F3 अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल, जो अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल होता है, माल की बिक्री के लिए और एक भी भवन में स्थित स्टोर और सर्विस फैसिलिटी भी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों 7वां नंबर, ग्रुप G इंडस्ट्रियल बिल्डिंग औद्योगिक भवन। तो औद्योगिक भवन कौन से दोस्तों? इसमें कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का हिस्सा शामिल होता है जिसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट और मटेरियल को फैब्रिकेटेड, असेंबल, मैन्युफैक्चरिंग संबंधित कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए असेंबली प्लांट, औद्योगिक प्रयोगशालाएँ, ड्राई क्लीनिंग प्लांट,
बिजली संयंत्र, उत्पादक इकाइयाँ, ये पंपिंग स्टेशन, धुमन कक्ष, लॉन्ड्रिंग, गैस यंत्रों के रिफाइनरों, डेयरियों और आरा मिलो आदि शामिल है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्लांट होता है सब डिवीजन। अब ग्रुप जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हम आपको बताते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से सब डिवीजन होते हैं। तो सब डिवीजन G1, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में सब डिवीजन G1 दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, कम जोखिम वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोग में आने वाली इमारतें। बहुत सारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जहाँ पानी की रिसाइकिल हो रहा है, पानी फिल्टर हो रहा है, पानी पैकिंग हो रहा है, वहाँ कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता। दूध की पैकिंग हो रहा है, वहाँ कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता, मतलब वहाँ कम खतरा वाला, आग लगने का खतरा कम है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या ज़रूरत है, तो उसको बोलते कम खतरे वाला जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वो सब डिवीजन G1 के अंदर आता है दोस्तों। फिर आता है सब डिवीजन G2। सब डिवीजन G2 में मध्यम जोखिम, मतलब कम खतरे वाला था, इसे थोड़ा सा ज़्यादा खतरे वाला, मध्यम जोखिम वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतें, जो थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है, जो कम वाला तो उससे, लेकिन इसमें ज़्यादा, इसमें क्या है, कुछ ज़्यादा मटेरियल का, कपड़े उपड़े का सिलाई हो रहा है, या कपड़े का ढेर लगे पड़े हैं, ज्वलनशील मटेरियल बहुत सारे हैं, पन्नी बन रहे हैं, कोई प्लास्टिक गत्ते का काम हो रहे हैं, तो इसमें आग लगने की ज़्यादा चांस है दोस्तों। तो सब डिवीजन आपका आता है G2 में। ठीक है दोस्तों, अब आता है सब डिवीजन G3। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर G3 की हम बात कर रहे हैं, उच्च जोखिम वाले औद्योगिक के लिए उपयोग आने वाले, कोई ऐसा औद्योगिक का काम चल रहा है जो उच्च, मतलब जो इंडस्ट्रियल का काम चल रहा है, जहाँ खतरनाक काम होता है, पेट्रोल रिफाइनिंग का काम होता है, केमिकल कोई बन रहा है, प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, कोई पेंट वगैरह के पैकिंग का काम होता है, तो ये खतरनाक बिल्डिंग, इसमें आग लगेगा तो बहुत ज़्यादा विशाल लग जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो खतरनाक बिल्डिंग में माना गया है, तो ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सब डिवीजन G3 में आएगा दोस्तों। उस हिसाब से इस बिल्डिंग के डिज़ाइन, फायर फाइटिंग सिस्टम, उतने खतरनाक से लड़ने के लिए उसकी दीवार हुआ वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। अब हम आपको बात कर रहे हैं दोस्तों आप ग्रुप H, जो 8वां नंबर पर है, ग्रुप H स्टोरेज बिल्डिंग की बात करें, जहाँ पे सामान को स्टोर करते हैं, भंडारण करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हम बात कर लें, तो इनमें कोई भी इमारत या भवन का हिस्सा शामिल होगा जिसका उपयोग मुख्य रूप से माल के भंडारण के लिए किया जाता है। माल के भंडारण, माल मतलब कहीं और मत चल जाना, माल का मतलब है भाई जो भी फैक्ट्री वगैरह में जो भी बनता है उसको इकट्ठा एक जगह स्टोर किया जाता है, उसको बोलता है माल स्टोर है। ठीक है दोस्तों, तो माल को स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग बनाया जाता है वो ग्रुप H स्टोरेज बिल्डिंग में आता है दोस्तों। इसके अंदर कौन कौन सी आते हैं चीज़ ध्यान रखें, उदाहरण के लिए गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, फ्रेट डिपो, ट्रांजिट शेड, स्टोरेज हाउस, ट्रक और समुद्री टर्मिनल, गैरेज, हैंगर, अनाज शिफ्टिंग लिफ्टिंग के लिए जो भी है, ये सब चीज़ें आपका ग्रुप H स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर आता है दोस्तों। उसके बाद आता है ग्रुप J, हजार्डस बिल्डिंग, खतरनाक बिल्डिंग, ग्रुप J हजार्डस बिल्डिंग, तो जो आप खतरनाक समझ के, जिसके अंदर ज़्यादा आग लगने की चांस हो, कोई ऐसा मटेरियल अगर तुरंत आग पकड़ ले, वो खतरनाक बिल्डिंग के अंदर आता है, वो स्टोरेज भी हो सकता है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। तो हजार्ड खतरनाक जो है, इसमें कोई भी इमारत या उसका हिस्सा शामिल होगा जिसका उपयोग अत्यधिक दहनशील या विस्फोटक सामग्री के भंडारण, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है, जो ठीक है, जो अत्यधिक जलने के लिए उत्तरदायी है, जो जहरीले धुएं या विस्फोट तथा उत्पादक कर सकता है, विस्फोटक का उत्पादक कर सकता है, जिसमें अत्यधिक जहरीले या हानिकारक एसिड या अन्य तरल पदार्थ या रसायन जो धुएं और विस्फोटक जहरीला गैस पैदा करते, खतरनाक बिल्डिंग है दोस्तों, हजार्डस बिल्डिंग है, इसलिए ग्रुप
एच में डाला गया, नवा नंबर सबसे लास्ट में, यही खतरनाक वाला बिल्डिंग है दोस्तों। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, तो क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, टाइप ऑफ बिल्डिंग, तो नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से कितने प्रकार के बिल्डिंग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से। ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग पहला था, दूसरा है ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग, ग्रुप है एजुकेशनल बिल्डिंग का ग्रुप है। ग्रुप की बात जहां होती है उसमें और भी है जिसको सब डिवीजन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं तीसरा, ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, संस्थागत बिल्डिंग जो होता है। ग्रुप डी चौथा है असेंबली बिल्डिंग, विधानसभा जो असेंबली बिल्डिंग जो है वो ग्रुप डी में आता है आपका चौथा नंबर। उसके बाद आता है पांचवा नंबर ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग, व्यवसाय बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है ग्रुप सी, सॉरी छः नंबर पे आता है ग्रुप एफ मार्केट टाइल बिल्डिंग, दुकान माल ये मार्केट टाइल बिल्डिंग के अंदर आते हैं, ये आता है ग्रुप एफ छठा नंबर पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों सातवां नंबर ग्रुप जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों, ये आता है ग्रुप जी के अंदर सातवां नंबर। उसके बाद आता है आठवां नंबर ग्रुप एच स्टोरेज बिल्डिंग, भंडारण वाला बिल्डिंग, ये आता है आठवें नंबर पे ग्रुप एच। फिर आता है दोस्तों ग्रुप जे हजारडस बिल्डिंग, खतरनाक बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से कौन कौन से ग्रुप में, आपसे अगर कोई सवाल पूछे क्लास तो आप बताना सर भवन को 9 ग्रुप में बांटा गया है, उसके बाद अलग अलग सब डिवीजन में भी बांटा गया है, सब डिवीजन A1, सब डिवीजन A2, या फिर सब डिवीजन B1 B2। तो A1 जहाँ बात आती है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात होती है, जो कि ग्रुप ए में A1 A2, B1 मतलब वो दूसरे ग्रुप में आती है, ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग में आ जाती है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे सभी ग्रुप में सब डिवीजन बने हुए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। ग्रुप का मतलब बिल्डिंगों का ग्रुप, ठीक है दोस्तों। उसमें कौन कौन सी सब डिवीजन में कौन से बिल्डिंग आते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ बिल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, बिल्डिंग को कितने ग्रुप में बांटा गया है, 9 प्रकार में बांटा गया है, कौन सी ग्रुप ए में कौन सी आती है, ग्रुप बी में कौन सा आती है, सभी ग्रुप में कौन कौन सी बिल्डिंग आते हैं, उसके सब डिवीजन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान गए होंगे। आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ये आपसे निवेदन है, नमस्कार।